हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के स्टूडियो में मैं आपको पोल्ट्री मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है पोल्ट्री फार्मिंग करते समय उसी रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन में बात करने वाले हैं। अगर आपको भी पोल्ट्री मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस जानना है पोल्ट्री फार्मिंग करते समय तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के बाद एक छोटा सा पोल्ट्री ईबुक का इंट्रो हम देख लेते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखिए, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं पोल्ट्री मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है तो पोल्ट्री फार्मिंग करते समय पोल्ट्री फार्मिंग ये शब्द के बाद अगर सबसे बड़ा कोई दूसरा शब्द होगा तो वो होता है पोल्ट्री मैनेजमेंट। या दोस्तों, इतना बड़ा रोल प्ले करता है पोल्ट्री मैनेजमेंट पोल्ट्री फार्मिंग करते समय। पोल्ट्री फार्मिंग बिना पोल्ट्री मैनेजमेंट के हो ही नहीं सकती। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पोल्ट्री में इन्वेस्ट कर देने से ही आप आउटपुट के तौर पर प्रॉफिट कमा लोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। पोल्ट्री मैनेजमेंट का पोल्ट्री में उतना ही बड़ा रोल होता है जितना बाइक में पेट्रोल होता। गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं और पोल्ट्री में मैनेजमेंट नहीं तो पोल्ट्री में प्रॉफिट नहीं, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। पैसा पैसे को खींचता है, ये बात सही है, लेकिन ये फॉर्मूला पोल्ट्री में लागू नहीं होता। सिर्फ पैसा लगाने से पैसा आता रहता तो आज तक लाखों लोगों ने पोल्ट्री में पैसा लगाया, हर कोई प्रॉफिट में थोड़ी ही है। पोल्ट्री में पैसों के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मैनेजमेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एक अच्छा पोल्ट्री मैनेजमेंट आप लोगों को लाखों का मुनाफा दे सकता है तो वही कमजोर पोल्ट्री मैनेजमेंट आप लोगों को नुकसान होने का मुख्य कारण बनता है। देखिए, मैनेजमेंट में सभी प्रकार के मैनेजमेंट इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि लाइट मैनेजमेंट, ब्रूडिंग मैनेजमेंट, टेम्परेचर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, है ना। इस तरह का सब कुछ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के भीतर ही आता है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि पोल्ट्री में इन्वेस्ट कर दो, शेड का कंस्ट्रक्शन करवा लो, 2 महीने में 3 महीने में क्या होता है जल्दी से आउटपुट आ जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती मेरे दोस्त। पैसों से पैसा नहीं आता, पोल्ट्री में मैनेजमेंट करने से पैसा आता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने लाखों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करी और 2-3 साल पोल्ट्री को रन करने के बाद आज वो लोगों का शेड पोल्ट्री पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि उतने बड़े बड़े शेड तो कोई रेंट से भी नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। आप भी सोचिए, पोल्ट्री फार्मिंग करने वाला हर एक इंसान अगर प्रॉफिटेबल होता तो जो रेंट से आपको पोल्ट्री फार्म मिलते हैं, अगर आप रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो आपके आजू बाजू में थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद आपको रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो उस पर्सन ने अपना पोल्ट्री फार्म का बिजनेस क्यों छोड़ा होगा? इतनी लाखों की इन्वेस्टमेंट करी, 5,000-10,000 स्क्वायर फीट का शेड उसने तैयार किया, फिर वो बंदा आपको रेंट से पोल्ट्री फार्म क्यों दे रहा है? वो खुद पोल्ट्री फार्मिंग क्यों नहीं कर रहा है, है ना। तो यहाँ पर वक्त देना और मैनेजमेंट करना पोल्ट्री फार्मिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग शेड का कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, बोलते हैं भैया एक आध दो लेबर को रख दूंगा, वो बाकी की सभी चीजें वो लेबर ही संभालेंगे। ऐसा नहीं होता भैया। अगर इस हिसाब से आप चलोगे तो पोल्ट्री में प्रॉफिट आप थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग बेसिस पे कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप पोल्ट्री में टिके नहीं रह सकते हो, क्योंकि जो भी लेबर होता है, देखिए लेबर, जो लेबर हम लोग बोलते हैं जिनको, लेबर का काम कौन करता है? जो लोग पढ़े लिखे हुए नहीं होते हैं, हाँ, जो शारीरिक कष्ट करना जानते, शारीरिक श्रम ज्यादा करना जानते, वही लोग लेबर का काम आपके पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। तो ऐसे लेबर लोगों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? प्रॉपरली टेम्परेचर मैनेज कर लो, प्रॉपरली वैक्सीन वक्त पे कर लेना, प्रॉपरली मेडिसिन मैनेजमेंट कर लेना, मुर्गी की बॉडी का बिहेवियर देख के उसकी तबीयत खराब होने वाली या फिर 2 दिन के बाद उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली ये पहचानना सीखना, ये सब चीज़ें आप लेबर को नहीं बोल सकते हो। देखिए, अगर आपको पोल्ट्री फार्म में प्रॉफिट कमाना है तो जो भी वर्क होता है वो आपका लेबर जरूर करेगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट की जो चीज़ें होती है, जैसे कि जो भी बर्ड है, जो प्रॉपरली उसको स्पेस मिल रही है क्या, बर्ड की बॉडी का बिहेवियर प्रॉपरली है क्या, क्या बर्ड स्ट्रेस में है, क्या बर्ड की कोई बीमारी है, ये सभी चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें मैनेजमेंट में ही आती है। देखिए, अगर आप छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, अगर आप लेबर नहीं भी रख रहे हो तो क्या होता है ना, सभी चीज़ें हमें खुद ही मैनेज करनी पड़ती है, फिर भी हमें खुद ही डलवाना होता है, ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग से पानी चला जाता है, वैक्सीनेशन भी हमें खुद ही करवानी होती है और मेडिसिन भी हमें खुद ही करवानी होती है। तो ऐसे में बहुत सारी बातें हमसे छूट जाती है, प्रॉपरली हमारे से लीडर मैनेजमेंट नहीं होता, कभी कभार तो हम वैक्सीनेशन भी नहीं कराते, है ना। तो ऐसे में बहुत सारी बातें हमसे छूट जाती है क्योंकि हमारे पास लेबर नहीं होता, हमारे बर्ड की क्वांटिटी छोटी होती है,
इसलिए हम सोचते हैं कि पूरी की पूरी बातें हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के दो तीन बैच जाने के बाद जब चौथी पांचवी बैच आपकी स्टार्टअप होती है तो आपको कहीं ना कहीं तो लग जाता है कि मैं पूरी की पूरी बातें खुद ही संभाल नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, आपके आंखों को दिख रहा है कि आपका लीटर गीला हुआ है, लेकिन फिर भी आप वक्त रहते लीटर गीला होने के बावजूद भी उसको उसमें चूना डलवा के उसको ड्राई नहीं करते। आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तो चिक्स आपका स्ट्रेस में है, लेकिन फिर भी आप उसको मल्टीविटामिन या फिर थोड़ा सा उसकी केयर लेके उसको स्ट्रेस से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते। या फिर आपकी दो से लेकर तीन बैच का आपका एक्सपीरियंस आ गया, फिर भी आपको यही नहीं पता कि बच्चा आपका स्ट्रेस में है या फिर बीमार है। तो इस तरीके से जो बातें होती है ना, वो पूरी की पूरी बातें मैनेजमेंट में ही आती है। देखिए, अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट कमाना है तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, और उसका मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप उसमें टाइम नहीं दे पाओगे, लेबर के भरोसे अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। लेबर सिर्फ दाना डालेगा, वैक्सीन करेगा, मेडिसिन करेगा, बाकी मुर्गी क्यों मरी, मुर्गी का इतना फीड खाने के बावजूद भी वजन प्रॉपरली क्यों नहीं आया, एफसीआर मेंटेन क्यों नहीं हुआ, ये सब सवालों का जवाब वो आपको नहीं दे पाएगा। और आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप अगर उसको बोलते हो कि भैया 40 दिन में 80 बोरी खत्म होने वाली, तो वो 40 दिन में 80 बोरी आपको खत्म करवा के दिखा लेगा, लेकिन वजन नहीं ला पाएगा। तो एफसीआर मेंटेन करना, मुर्गियों का डिसीज मैनेजमेंट करना, वक्त रहते उसका वैक्सीन खुद के प्रेजेंट में लेबर से करवा लेना, लीटर अगर गीला हुआ तो उसको ड्राई कर लेना, अगर इतना सब झमेला करने की अगर आपकी तैयारी है तो आप पोल्ट्री फार्मिंग में उतरिए। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस लाइफ स्टॉक का है, ऐसा तो नहीं है कि भैया 10 लाख का कोई आपने माल परचेस कर लिया और अपने दीवान जी या फिर कोई वर्कर को बोल दिया कि भाई 5 लाख का अगर आपका माल सेल आउट होते तो रात को मुझे हिसाब दे देना कि 5 लाख का माल बिक गया और 5 लाख का बच गया। ये लाइफ स्टॉक का बिजनेस है, लाइफ स्टॉक के बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट का जो टाइम स्पैन है वो कम है, मतलब आपको कम इंटरवल में कम दिनों में ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन रिस्क तो ज़्यादा है ना मेरे भाई। देखिए, आप बहुत सारे लोग नहीं कहते सिर्फ और सिर्फ कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ये सोच के ही पोल्ट्री में इन्वेस्ट बिना कुछ ज़्यादा जांच पड़ताल करके कर लेते हो। देखिए, मेरा काम आपको डिमोटिवेट नहीं करना है। आज भी लोग पोल्ट्री फार्मिंग से प्रॉफिट कमा रहे हैं, कल भी कमाएंगे और आगे फ्यूचर में भी कमाते रहेंगे। मेरा बस ये काम है कि आपको पोल्ट्री की प्रॉपरली नॉलेज दूँ, ताकि ये नॉलेज लेके आपसे कोई गलती ना हो। आपसे गलती नहीं होगी, आप प्रॉपरली मैनेजमेंट करोगे, ठीक है ना, तो आपको लॉस भी नहीं होगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। तो इतना बड़ा रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में। देखिए, सिर्फ पैसे लगने से नहीं होता मेरे भाई, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा सिर्फ लेबर के भरोसे, लेकिन लेबर के भरोसे आप काम करो, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम हफ्तों में 2 से लेकर 3 बार मिनिमम 1 घंटे की तो विजिट करो मेरे भाई। एक बार आप पोल्ट्री की बैच डलवा देते हो, डायरेक्टली माल जब सेल आउट होता है तभी एक बार विजिट करते हो, तो कैसे चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल पोल्ट्री फार्मिंग चलाओगे, 3 सालों के बाद में आपका पोल्ट्री फार्म रन नहीं करेगा, पोल्ट्री फार्म एक तो खाली रहेगा या फिर रेंट से पोल्ट्री फार्म को देना पड़ेगा। अगर आपको टाइम देना पॉसिबल है, थोड़ा बहुत आप इंटरेस्टेड हो उसमें, लेबर की बात छोड़ दो, खुद मुर्गी का जो भी वैक्सीनेशन है वो आपके प्रेजेंट में करना, या फिर जो भी मुर्गियों का जो बिहेवियर होता है वो खुद से चेकआउट करना, लेबर को बोलना कि मुर्गी स्ट्रेस में लग रही है आज को उसको ये दवाई चलाओ, मुर्गी का बॉडी वेट अंडर वेट में है तो आज उसको ग्रोथ प्रमोटर चलाओ। इस तरीके की जितनी भी मैनेजमेंट आती है, मैनेजमेंट में कितनी से भी बातें मैं बोलूँ, मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है भैया। देखो, मैनेजमेंट करने के लिए शरीर से हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता, मैनेजमेंट पूरी तरह से दिमाग का खेल होता है, ठीक है ना। पोल्ट्री फार्म में आपका जो भी होता है ना वर्क, वो ज़्यादा वर्क नहीं है बॉडी का, जो भी सब खेल है वो मैनेजमेंट का खेल है। अगर आप वक्त रहते वैक्सीन कर रहे हो, वक्त रहते लीटर को चेंज कर रहे हो, वक्त ले रहते उसकी प्रॉपरली वैक्सीन और मेडिसिन कर रहे हो, वक्त रहते अच्छा सा टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो, और वक्त रहते बैच डलवा के वक्त रहते अगर उसको बेच रहे हो, ये सभी चीज़ें होती है मैनेजमेंट की, तो आप प्रॉफिट में जरूर जाओगे। अगर आप माल सेल आउट करने को, आपको पता है आपका 2 किलो का बर्ड बन गया फिर भी आप उसको 5 दिनों के बाद सेल आउट कर रहे हो, या फिर आपको पता है कि इस सीजन के इस महीने में रेट पोल्ट्री को नहीं मिलता फिर भी आप उस समय में बैच डलवा दे रहे हो, तो ऐसी कुछ बातें होती है वो सभी के सभी मैनेजमेंट के तौर पर आती है। अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ तो पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए आपको ज़्यादा शरीर से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत आपको मार्केटिंग और दिमाग से करनी पड़ेगी मैनेजमेंट की। आपने एक बार मैनेजमेंट करना सीख लिया तो आप पोल्ट्री फार्मिंग में जरूर से प्रॉफिट कमाओगे। दूसरी बात, पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट आज कौन कमा रहे, जो खुद का फिट खुद बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपका पोल्ट्री फार्मिंग करने का मेन पर्पज क्या है, मुर्गियों को छोटे से बड़ा करना या फिर पोल्ट्री की बैच सेल आउट करके पैसा कमाना।
सीधी सी बात है पैसा कमाना। तो जब आपका मेन पर्पज पैसा कमाने का ही है तो पोल्ट्री में ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। जैसे कि जैसे आप एक साल डेढ़ साल दो साल पुराने हो गए पोल्ट्री फार्म में, तो किसी को चिक्स बुलवा के दीजिए, किन्हीं को मेडिसिन बुलवा के दीजिए, किन्हीं को जो भी पोल्ट्री के इक्विपमेंट्स होते हैं वो बुलवा के दीजिए। इनमें अच्छी खासी प्रॉफिट मार्जिन होती है, ठीक है ना। तो जितना इन्वेस्टमेंट आप पोल्ट्री में कर रहे हो ना, उससे कम इन्वेस्टमेंट लगा के भी इनमें ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। आपका मेन पर्पज पैसा ही कमाना है तो स्टार्टिंग में क्या होना है, दसवीं पास होने के बाद ग्यारहवीं में जाओ, ग्यारहवीं पास होने के बाद बारहवीं में जाओ ना मेरे भाई, आप वही के वही लटक के हो। आज भी 10,000 मुर्गियां पालते थे, कल भी 10,000 मुर्गियां पाल रहे हो मेरे भाई, उतने पैसों में, उससे कम इन्वेस्टमेंट में आपसे ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं। देखो, आप पोल्ट्री के लाइन को मत छोड़ो, आपको पोल्ट्री फार्मिंग काम कर रहे थे, मैं पोल्ट्री फार्मिंग के लाइन को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। चार सालों तक के आपने मुर्गियों को पाला तो उसके आगे के दो साल तक आप पोल्ट्री सर्विस में काम करो, उसके आगे के दो साल आप उसके ट्रेडिंग में काम करो, ठीक है ना। तो क्या होता है, आप पोल्ट्री के लाइन को ही पकड़ के हो, आपको पोल्ट्री का नॉलेज पूरी तरह से आ गया है, लेकिन जो पोल्ट्री जिंदा मुर्गे को पाल के जितना पैसा कमा रहे थे उससे ज्यादा ट्रेडिंग में, उससे ज्यादा वो सर्विसेज का काम करने में ज्यादा पैसा है, वो भी बिना रिस्क और बिना ज्यादा मेहनत किए। तो मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है कि स्टार्टिंग के बेसिस में अच्छे से मैनेजमेंट करो, पोल्ट्री को वक्त दो। सभी ऑल ओवर इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है, कितने लोग प्रॉफिट में, कितने लोग घाटे में है, प्रॉफिट में क्यों है और लॉस में जा रहे, तो उसके पीछे का क्या करना है, ये सभी बातों की तरफ थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। तो चलो दोस्तों, आज तो बहुत मैनेजमेंट करके बातें कर ली। आई होप जो भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहता था आप लोगों का, आपके वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह का एक पॉलिटिकल नॉलेज पर वीडियो लेके मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में।